नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगम में। दोस्तों, राग यमन की तान का हाल ही में मैंने आपको वीडियो दिया है और उसी वीडियो का सेकंड पार्ट आप इसको कह सकते हैं। उस वीडियो में मैंने दो तान आपको बताई थी और इस वीडियो में मैं आपको चार पांच तान और बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने उन तान को तैयार किया होगा। वीडियो पे पहली बार हैं तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप प्रीवियस वीडियो देखें, उस तान को तैयार करें और उसके बाद में इसको देखें। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी बताया कि हमने तैयार किया है, बहुत सारे लोगों ने ऑडियो भी भेजे हैं जो वो तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है दोस्तों कि आप फॉलो करते हैं और आपको फ़ायदा होता है। आपने देखा होगा राग यमन का कोई रचना चल रही है, कोई भजन या सॉन्ग चल रहा है और बीच में आपने अगर ये दो तान डाल दी तो आपका जो लेवल है सुनने वाले को देखने वाले को अलग लगता है कि हाँ कुछ तो बात है बंदे में। चलिए, वो एक इम्प्रेशन की बात है, लेकिन हम अपना देखें पर्सनल तो हमारी गायकी में बहुत सुधार होता है। हमारी जो फिंगर्स हैं इनको भी तेज चलना होता है क्योंकि जल्दी जल्दी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं जब हम शुरू करते हैं तो शुरुआत में ये प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं। एक हमारे सर हैं, उन्होंने मतलब कि कमेंट भी किया है कि सर हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कच्चा पापड़ पक्का पापड़ जैसी समस्याएं हमको झेलनी पड़ रही हैं, इस टाइप की समस्या आ रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों, शुरुआत में सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं आप ये समझें कि इस दुनिया का मैं ही सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, फला आदमी तो तेज करता है, बहुत आसानी से करता है। दोस्तों, आप ये मान लो कि उसने उतनी मेहनत की है और उतनी ही मेहनत हमको करनी है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करने वाला हूँ कि आप जो भी रियाज करते हैं, जो भी तैयारी भजन सॉन्ग तैयार करते हैं हारमोनियम पे, वो तो करिए। आप डेली आपके टाइम में से 10 मिनट का टाइम निकालिए या 10 मिनट का टाइम बढ़ाइए और डेली एक महीने तक इन तानों को रट लो। दो तान पहले की, पांच तान मैं आपको और दे रहा हूँ, सात तान हो जाती हैं। सात तानों को अगर एक महीने तक आप घिसेंगे, रटेंगे, दिमाग में बिठाएंगे तो राग यमन का प्रारूप आपके दिमाग के अंदर आसानी से बैठेगा, आपको क्लैरिटी नजर आएगी। और देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहली तान है नीरे गामा पामा गरे गामा धनी सानी दा पामा धनी रे सानी दा पानी दा पामा गरे सासा। मैंने ये बोला तो मुझे ये नहीं पता है कि गा कहाँ है, रे कहाँ है तार सप्तक का, नी कहाँ है, सा कहाँ है, बस मुझे ये तान रटी रखी है, मैंने इसको याद कर रखा है। तो ऑटोमेटिक मैं जब इस तान की शुरुआत करता हूँ तो ऑटोमेटिक तार सप्तक के रे तक जाता हूँ और आ जाता हूँ, तो ये ऑटो हो रहा है, मेरे को दिमाग नहीं लगाना पड़ा है। तो जब इस प्रकार से मैं एक महीने तक लगातार करूँगा तो मुझे धीरे धीरे सुरों की समझ बढ़ेगी। समझे मेरी बात आप, कि सुर है वो क्या है। अगर एक महीने तक ये प्रोसेस करते हैं और आपको फायदा हो रहा है इस चीज का तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में हर चीज मुश्किल होती है लेकिन जब आपका एक लेवल बन जाता है, जब आप एक ऐसा लेवल बन जाएगा कि आप ये सात तानों को एक सांस के अंदर बोलने लगेंगे, ठीक है, या फिर बगैर अटके बोलने लगेंगे या बगैर हारमोनियम बजाए जल्दी जल्दी बोलने लगेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपका लेवल बन जाएगा। फिर आप किसी और की लिखी हुई तान है उसको भी आप उसी प्रकार से एक्सेप्ट करेंगे, उसी प्रकार से देख करके बस फटाक से गा देंगे और उसके बाद में आप अपने हिसाब से भी कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ नया पैटर्न, कुछ अलंकार का प्रारूप लेकर के। आप राग यमन का, आपको सुरों का समझ हो ही गया है, सुर के बारे में पता है, आप अपने हिसाब से कुछ भी नया कर सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं, मेरी आपसे वही गुजारिश है कि आप बस जो चीज़ है उसको अच्छे से तैयार करें, रेगुलरली करें, कभी भी चाहे जो कुछ भी हो। देखो, समस्याएं सबके साथ आती हैं लेकिन वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप संगीत में हैं और नॉर्मल अगर आपकी लाइफ है तो मेरा ये कहना है कि कभी भी एक दिन भी अपनी रियाज को या अपनी प्रैक्टिस को आप कभी भी मिस ना करें। एक दिन अगर आपने मिस किया है, आप 10 दिन पीछे चले जाते हैं, इस चीज़ को आप आजमा के देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे पहले जो दो तान हैं उनको मैं रिवाइज करता हूं और उसके बाद में फिर मैं आपको अगली पांच तान दिखाता हूं और उनको समझाता हूं। बहुत आसानी से ये चीज़ तैयार हो जाएगी अगर आपने पिछली दो तान तैयार कर ली हैं तो। नी रे गा मा पा मा ग रे गा मा ध नी सा नी दा पा मा ध नी रे सा नी दा पा नी दा पा मा ग रे सा सा, पहली तान। दूसरी तान थी नी रे गा मा पा गा मा ध नी सा रे गा रे सा नी दा सा नी दा पा मा ग रे सा।
मीरे गा मा पा मा गा रे, बस वही। अब उसके बाद में अगली जो तान है उससे पहले मैं आपको लिख करके रखी हैं, आप इनको एक बार चाहें तो देख लें, उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर वीडियो को रोक करके और इसको अपने पास रखें, तो ये आपको दिख रहा होगा। और फिर एक एक तान को मैं धीरे धीरे समझाते हुए लेके चलता हूँ। देखिए पहली जो तान थी उसमें था नीरे गामा पामा गारे, ये चीज थी ना, ये पामा गारे है उसको दो बार करना है, नीरे गामा पामा गारे नीरे सा, हो गई अगली तान। तो इसको बिल्कुल स्लोली देखिए, नीरे गामा पामा गारे नीरे सा, आसान है, नीरे गामा पामा गारे नीरे सा, ठीक है। ये हमारी एक और तान हो गई। अगली जो तान है उसमें क्या हुआ, देखो नीरे गामा धनी सारे सानी दा पामा गारे सा, नीरे गामा धनी सारे सानी दा पामा गारे सा, कुछ नहीं है, वही मैं गया हूँ, नीरे गामा पाको छोड़ा धानी सा रे, क्योंकि मैं रे तक जाऊंगा तब जा करके ये हमारे दो दो सुरों के हिसाब से आठ मात्रा का बैठेगा, नीरे दो गामा दो, उसके बाद में धानी और उसके बाद में फिर सारे, तो ये दो दो के सेट हो रहे हैं, इसलिए रे तक गया, फिर बाद में मैं सानी धापा मागा रेसा, यहाँ पे मैंने पा छोड़ा था, अब मैंने पा को शामिल कर लिया है, इसलिए हुआ क्या कि मैं रे तक गया था, तो ये हो गया हमारा एक तान। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए नीरे गामा पामा गरे नीरे सा, पहली तान नीरे गामा दनी सारे सानी दा पामा गरे सा, ये हमारी दो तान हो गई। तीसरी जो तान है उसमें देखिए गामा पामा सानी दा पामा गरे सा, गामा पामा दो बार है, गामा पामा सानी दा पामा गरे सा, हाथ को उठा करके सापे लेके जाना है, गामा पामा सानी दा पामा गरे सा, ये तीसरी तान, तीनों को मिला के बोल रहा हूँ, नीरे गामा पामा गरे नीरे सा, दूसरी तान नीरे गामा धनी सारे सानी दा पामा गरे सा, तीसरी तान गामा पामा सानी दा पामा गरे सा, गामा पामा सानी दा पामा गरे सा, और उसके बाद में अगली तान सानी दा सानी दा सानी सानी दा पामा गरे सा, इसमें देखो क्या हुआ है, शुरुआत हुई है तार सप्तक के साथ से, सानी दा सानी दा सानी सानी दा सानी दा सानी सानी दा सानी दा सानी सानी दा सानी दा सानी, दस बार बोल लेना इसको, सानी दा सानी दा सानी सानी दा सानी दा सानी सानी दा पामा गरे सा, सानी दा सानी दा सानी सानी दा पामा गरे सा, या फिर हम कहें सानी दा सानी दा सानी सानी दा पामा गरे सा, सानी दा दो बार, सानी दा दो बार, फिर सानी दो बार, फिर उसके बाद में नीदा धापा मागा रेसा, ये हुआ है। चलिए वापस देखिए, सानी दा सानी दा सानी सानी दा पा मागा रेसा, और उसके बाद में हमारी जो चौथी तान हो गई, लास्ट जो तान है, नीरे गारे गामा गारे नीरे गारे गामा गारे पामा गारे नीरे सा, नीरे गारे गामा गारे पामा गारे नीरे सा, इसमें क्या हुआ है, नीरे गारे गामा गारे फिर पामा गारे नीरे सा, आसान है, नीरे गारे पामा गारे नीरे सा, पांच तान हो गई। पांचों तानों को मैं स्लोली पहले रिपीट करता हूँ, नीरे गामा पामा गारे, स्लो स्लो, नीरे गामा पामा गारे नीरे सा, पहली, दूसरी नीरे गामा धनी सारे सानी दा पामा गारे सा, तीसरी गामा पामा सानी दा पामा गारे सा, अगली सानी दा सानी सानी दा पामा गारे सा, और फिर चौ पांचवी नीरे गारे गामा गारे पामा गारे नीरे सा।
पिछले वीडियो की दो तान और इस वीडियो की ये पांच तान, टोटल सात तान जो हैं, इनको मैं एक एक करके और एक मीडियम स्पीड में आपको बता रहा हूँ। वापस से देखिएगा। नी रे गा मा पा मा गा रे गा मा द नी सा नी दा पा मा द नी रे सा नी दा पा मा गा रे सा सा। दूसरी नी रे गा मा पा गा मा द नी सा रे गा रे सा नी दा पा मा गा रे सा। नंबर तीन आज की नी रे गा मा पा मा गा रे पा मा गा रे नी रे सा। नंबर चार नी रे गा मा द नी सा रे सा नी दा पा मा गा रे सा। नंबर पांच गा मा पा मा सा नी दा पा मा गा रे सा। नंबर छह सा नी दा सा नी दा सा नी दा पा मा गा रे सा। और लास्ट नी रे गा रे गा मा गा रे पा मा गा रे नी रे सा। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर आपका हारमोनियम के साथ फिंगर्स का नहीं बैठ रहा है, अगर मिस हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है, कोशिश करते रहें आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की, लेकिन आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है, हारमोनियम के साथ में मैचिंग नहीं हो रही है, तो आप एक बीट लें, ताली लें, या फिर आप मेट्रोनोम चलाएं या फिर कोई ताल चलाएं और उसके साथ में आप बस प्रैक्टिस करें। नी रे गा मा पा मा गा रे गा मा द नी सा नी दा पा मा द नी रे सा नी दा पा मा गा रे सा सा। और उसके बाद में ये जो तान है नी रे गा मा पा मा गा रे नी रे सा नी रे गा मा द नी सा रे सा नी दा पा मा गा रे सा। और जल्दी करें नी रे गा मा द नी सा रे सा नी दा पा मा गा रे सा नी रे गा मा पा मा गा रे नी रे सा नी रे गा मा द नी सा रे सा नी दा पा मा गा रे सा नी रे गा मा पा मा गा रे नी रे सा। तो थोड़ा सा आपको जो जबड़ा है इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इसके ऊपर एक एक जो सुर है वो निकलना भी चाहिए, इसका थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, बीट का ध्यान रखना पड़ेगा। और बस एक तान को आप 10 बार 20 बार लगातार बोलेंगे तो वो आपके जबड़े में भी सेट हो जाएगी, आपके दिमाग में भी सेट हो जाएगी और बराबर निकलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।